खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, रामू गौर क्राइम रिपोर्टर के साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की टीम। कल 4 अप्रैल को इटवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत डोकम अम्य में चौपाल का कार्य आयोजित कराया तथा वहां उपस्थित लोगों को फाउंडेशन के बारे में जानकारी दिया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जी ने किया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष रामू गौर जी, जिला वाइस चेयरमैन डॉक्टर आर के वर्मा जी, जिला मंत्री कांत कुमार सोनी जी, इटवा महिला अध्यक्ष सोनाली सोनी जी, इटवा तहसील उपाध्यक्ष अरुण कुमार गौर जी, इटवा तहसील उपाध्यक्ष राम उजागीर जी, इटवा तहसील मंत्री शहजाद अली जी, डुमरियागंज तहसील अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा जी, हरैया तहसील अध्यक्ष शिवम जी तथा समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसका मतलब हुआ जैसे आप कहीं होटल में गए, कहीं यदि मतलब किसी भी राशन के दुकान पे, या आपको अगर जो कोई संदिग्ध जानकारी मिल गई कि ये तेल में और कुछ मिलाते हैं या काली मिर्च में और कुछ मिलाते हैं, उसे खाद्य पदार्थ कहा जाता है, जो जीवन में यूज किया जाता है, आप उसमें भी एक्शन ले सकते हैं। आप तुरंत जो है नजदीकी खाद्यान्न विभाग में सूचना कर सकते हैं। ये उद्देश्य नंबर 12 है, यक्ष के बारे में लोगों को जागरूक करना। हमारी संस्था यक्ष के बारे में भी लोगों को जागरूक करती है। किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करना एवं सूचना देना, ये हमारा उद्देश्य नंबर 13 है। यदि कहीं आप संदिग्ध चीज देख लिए, कहीं भी रहिए, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी रहिए, खुल के रहिए। यदि आपको कोई गलत चीज समझ में आ रहा है तो हमारे कुछ नंबर दिए गए हैं, अपने पदाधिकारियों को हम नोट करवाएंगे और आप कभी भी 24 आवर सूचना दे सकते हैं, वो तुरंत आपके चीज को जो है रिसीव करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। गरीब एवं असहाय लोगों की हर संभव मदद करना, ये उद्देश्य नंबर 14 है। गरीब असहाय, जो व्यक्ति कभी थाना नहीं देखा है, जो व्यक्ति कभी कचहरी नहीं देखा है, जो व्यक्ति कभी मुकदमा नहीं लड़ा है, यह उसको फंसाया जा रहा है, तो ये आपका कर्तव्य है कि उसके साथ जाके उसका पूरा मदद करें। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता है तो उसके लिए हम लोग बैठे, यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को करना। पर्यावरण संरक्षण करना एवं कराना, पेड़ भी लगवाइए, ज्यादा अवैध रूप से कटान हो रहा है तो उसमें भी रोक लगाइए। सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने में सहयोग करना, ये उद्देश्य नंबर 16 है। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप डरिए मत, आप एक सिपाही के रूप में तैनात होकर जाइए और वहां रोक लगाइए, तुरंत तत्काल सूचना दीजिए। कुछ नंबर आपको आदेशित कराया जाएगा और उस नंबर के जरिए आप क्षेत्र से लेके, जिले से लेके, ब्लॉक से लेके, मंडल से लेके, विधानसभा से लेके दिल्ली तक सूचना पहुंचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की कर्तव्य है। इस कार्य में हमारा कोई भी साथी है, कोई भी हमारा स्टाफ है, अपने आप को आम आदमी नहीं समझेगा, हर तरह से आपको मदद करना है।